नमस्ते, मैं डॉक्टर भाग्येश शाह हूँ। यहाँ सिम्स हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर यानी गंभीर रोग विशेषज्ञ हूँ। और हमारा काम एक टीम का होता है, मरीज़ के दर्द, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, धड़कन, उन सब का हम ध्यान रखते हुए कुल मिला के हम अगर गिने तो हमारा रोल एक रिंग लीडर जैसा होता है, जहाँ पे हम सब चीज़ों को कंबाइन करके पूरे शरीर को एक अलग अंग की ओर न देखते हुए सारे अंगों को मिला के एक पूरा मशीन की तरह देखते हैं। और इनके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि जो पेशेंट हमें दिया गया है उसके बचने के चांसेस 10% से कम है और सारे अदर स्पेशलिटीज़ फेल हो चुके हैं उसको बचाने में, तब हमारा रोल चालू होता है। हमारा दूसरा काम ये रहता है कि हर एक सिस्टम को जब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि इस सिस्टम को कौन सा सपोर्ट चाहिए और कब चाहिए। किडनी के सपोर्ट के लिए डायलिसिस है, सांस की सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर है, और अभी इस ज़माने में जब हम ट्रांसप्लांट की बात करते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करने से, अंगदान करने से हम लीवर, हार्ट, फेफड़े, किडनी सब बदल सकते हैं, हम उस जगह पे एक्मो नाम की प्रणाली को भी गुजरात में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और जिस प्रणाली की बदौलत हम स्वाइन फ्लू के गंभीर केस में भी 100% रिजल्ट दे पाते हैं। और ऐसी प्रणालियों के साथ साथ हमारा उद्देश्य यही है कि पेशेंट फर्स्ट रहे, पेशेंट की हर तरीके से केयर हो और जो आउटकम हमें मिला है वो ऐसा मिले कि पेशेंट को फिर से हमें देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हमारा प्रण ये रहता है कि बीइंग आईसीयू स्पेशलिस्ट या बीइंग क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, हम हमेशा पेशेंट को ही ध्यान में रखे, नहीं कि उसके एक अंग को जो बिगड़ा हुआ है, हम पूरे तरीके से उसको एक टोटल कंसेप्ट की तरह ट्रीट करते हैं। थैंक यू।